चैनल बींग ब्यूटिफुल। आज हम एक गुड वाइब्स के आलमंड स्किन ब्राइटनिंग एक फेशियल ऑयल का रिव्यू करने वाले हैं, जिसे जो अभी पीछे आई हर्ट ब्यूटी सेल चली थी, मैंने उसमें इसको ख़रीदा था। लेकिन इसका ओवरऑल ह्यूज पर्पल हॉल वीडियो मैंने शेयर किया था आप सबके साथ, उसमें मैंने इसको दिखाया है। लेकिन मैंने इसका अलग से पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मुझे इसको पहले यूज़ करना था। सो मैंने इसको यूज़ किया है एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा। फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कुछ ऑयल लाइक मैंने कुछ अपने फेस पे लगा लिया एंड इजीली ब्लेंड भी नहीं हुआ मेरे फेस में, क्योंकि मेरे फेस को इसकी आदत नहीं थी। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे फेस को उसकी आदत नहीं होती। सो आप एक ही बारी में उसके लिए राय ना बनाएं, आप उसको 2-3-4 टाइम्स यूज़ करिए एंड देन उसके बारे में आप सोचिए कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। सो एंड मुझे क्या क्या इसकी अच्छी बातें लगी है मैं आपको बता देती हूँ। सो ये देखिए, ये है आलमंड। आलमंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन सी भी होता है आलमंड में एंड मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप खा भी सकते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है, लगा भी सकते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है, दोनों तरीके से है। एंड ये देखिए इसकी पैकेजिंग है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ ओपन करके। इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड इसमें लिखा हुआ है आलमंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल नेट वॉल्यूम है इसके 10 ml, नो पैराबेंस एंड क्रुएल्टी फ्री है। पैराबेंस एक तरह का केमिकल होता है जो कि इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है। क्रुएल्टी फ्री मतलब इसको कोई मतलब एनिमल टेस्टेड वगैरह भी प्रोडक्ट नहीं है, किसी को हार्म नहीं करा गया इस प्रोडक्ट को, मतलब उस किसी के ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ है। ये सब बातों का यही मतलब होता है, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में इतना नहीं है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इसकी हेल्थ, फेड डार्क सर्कल्स, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, रिड्यूसेस अनइवन स्किन टोन। देखिए बहुत सिंपल से इन्होंने दिया हुआ पीछे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पैकेजिंग भी मुझे इसकी कलर वाइज बहुत अच्छा लगा। एंड देखिए हेल्प्स फेड डार्क सर्कल, मतलब जिनके भी डार्क सर्कल्स होते हैं इसको वहाँ पर भी आप यूज़ करिए, या आपकी स्किन टेक्सचर को भी अच्छा बनाता है। ये ब्लैक स्किन को फेयर नहीं करता, ये इनका कोई क्लेम नहीं है एंड मुझे तो लगता भी नहीं कोई प्रोडक्ट ऐसा करता होगा। लेकिन ये आपको स्किन को हाँ एक शेड बेहतर बना सकता है, अच्छा ग्लोई फ्लॉलेस बना सकता है। एंड हाउ टू यूज़, आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर क्लेंजिंग अप्लाई 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द फेशियल ऑयल ऑल ओवर द फेस, जेंटली मसाज टू द स्किन विद योर फिंगर टिप्स अंटिल इट फुली अब्सॉर्ब। आप अपने फेस को किसी भी फेस वॉश से क्लीन करिए एंड देन 2-3 ड्रॉप्स अपने फेस पर इसको डालिए, जेंटली मसाज करिए एंड जब तक ये आपकी स्किन में अच्छी तरह अब्सॉर्ब्ड ना हो जाए तब तक आप इसको अब्सॉर्ब करिए, अब्सॉर्ब्ड अपनी स्किन को करवाइए। बी केयरफुल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द आइज़, कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके का आपको आइज़ के कॉन्टैक्ट में से तो आने से बचाना ही होगा, क्योंकि हमारे आइज़ के लिए तो कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। दे वॉन्ट लाइक इट, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। एंड रिंस थोरोली विद वाटर इन केस दैट हैपन्स, अगर गलती से आपको लग भी जाए आपकी आइज़ के आसपास एंड आपके आइज़ में कुछ जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो जल्दी से इसको पानी से वॉश इट ऑफ कर लीजिए, तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में भी इरिटेटिंग टू सम पीपल्स, कई बार नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी सम पीपल को इरिटेट कर जाते हैं, हमको हो जाती है दिक्कत। एलवेज कॉन्टेक्ट अ पेस्टस, हमेशा पेस्टस करिए, चूँकि मैं अपनी हर वीडियो में भी ज़्यादातर मैंने बोला है कि पेस्टस बहुत ही ज़रूरी है, वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो कितना भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट सबको सूट करे। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ऐसा इन्होंने लिखा है, कूल ड्राई प्लेस पर रखें, गर्म जगह पर सनलाइट के एक्सपोजर से बचा कर रखें। इन्ग्रीडियंट्स है सिर्फ आलमंड ऑयल, हेज़लनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड परफ्यूम, परफ्यूम फॉर फ्रेगनेंस है एंड हेज़लनट ऑयल भी एक तरीके का ऑयल ही होता है, ऑलिव ऑयल सब जानते हैं, आलमंड ऑयल भी सब जानते हैं एंड कुछ भी इसके अलावा इसमें नहीं है, टोटली ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। बाकी इसमें मैन्युफैक्चर डेट दी गई है इसकी एंड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए गए हैं, कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इनकेस आपको कुछ कभी भी कोई दिक्कत होती है, किसी और को भी होती है तो आप बता सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चर डेट है इसकी January 2020 एंड ये चलेगा, शेल्फ लाइफ है इसकी 2021, MRP है इसकी 149 एंड ये मैंने पर्पल से ही ख़रीदा था, जो आई हर्ट ब्यूटी सेल चल रही है मैंने उसमें ख़रीदा, ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिला था, इसका मैंशन कर दूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है।
कि मैं एग्जैक्ट कितने का ख़रीदा था, लेकिन ये 149 में भी अगर आप ख़रीदें तो भी ये बहुत अच्छी डील है, क्योंकि बहुत सिर्फ एक 2 ड्रॉप्स ही हार्डली लगता है आपके फेस पर एंड बहुत समय तक चलेगा आपका ये। सो इसके अंदर की पैकिंग देख लेते हैं। लेकिन कई लोगों को एक बात और बता दूँ, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट सारे अच्छे ही होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ही सूट करें। मुझे अच्छे लगते हैं एंड इसके फीडबैक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। एंड कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि फेशियल ऑयल हमारे फेस पर करता है क्या। फेशियल ऑयल का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आप फेशियल के वक्त ही इसको यूज़ करें अपने फेस पर, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, फेशियल ऑयल जो हमारे नेचुरल जो हमारा पीएच बैलेंस होता है हमारे फेस को, उसको बरकरार रखने में ये मदद करता है। स्किन जो हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करने में हेल्प करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में हेल्प करता है, कि जब हम अदर प्रोडक्ट्स अपने फेस पर यूज़ करें तो वो हमें हार्म ना करें। सो इसके अच्छे रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नाइट में ज़रूर यूज़ करें। नाइट में आप 2 to 3 ड्रॉप्स जैसा कि इसमें बताया भी गया है, या जो भी आपको सूट हो उतने ड्रॉप्स आप यूज़ कीजिए एंड रात भर से छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली आपको मिलेंगे। एंड एक ट्रिप और, एंड जब भी आप मेकअप करते हैं प्राइमर से भी पहले आप जो अपने फेस को फेस वॉश करते हैं उसके बाद आप इसको ज़रूर लगाएं, ये आपकी फेस मेकअप को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा एंड आपको और किसी चीज़ों से हार्मफुल जो हो सकती है आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से उससे भी बचाएगा। एंड लुक एट दिस पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। एंड इसके साथ सबसे बेनिफिट वाली बात है कि इसके साथ आपको ड्रॉपर मिलता है, एंड ड्रॉपर ही नहीं, एंड ऐसा एक कैप भी मिलता है। ये ड्रॉपर मैंने यूज़ किया था, इसलिए मैंने ड्रॉपर इसके अंदर ही छोड़ दिया है। जब आपको ड्रॉपर की ज़रूरत नहीं है तब आप ऐसे बंद कर रख सकते हैं अपनी बॉटल को, कहीं भी आपको इसको ले जाना हो। ये इजीली टू कैरी भी है क्योंकि बहुत स्मॉल बॉटल है, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप कितनी यूज़ नहीं हो सकती, ये काफ़ी चलेगा। 2 मंथ्स वन टाइम यूज़ करते हैं तो 1.5 महीना 2 महीना भी निकाल देगा। सो अभी फ़िलहाल मैंने ये प्रॉपर लगाना था क्योंकि ये मुझे आपको दिखाना है यूज़ करके। एंड इसकी इनर पैकेजिंग भी अच्छी है, ये देखिए दोनों आराम से आ गए थे, इसमें ड्रॉपर अलग से आया था एंड बॉटल अलग से आई थी। तो देखिए ये कुछ ब्लू कलर की कांच की बॉटल है, जब भी खाली हो जाएगी तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सारी चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं, गुड वाइब्स आलमंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल, हाउ टू यूज़, बी केयरफुल, सब वही चीज़ें मैंशनड है। सो हम अंदर की बात देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको इसमें लेना ही, देखिए ये देख इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही थी, प्रोडक्ट क्वान्टिटी तो आप इसमें से देख नहीं पाएंगे, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है, कुछ हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये इजीली एक बार आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली फेस कर रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप इसको 2, 3, 4 टाइम्स आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा आपको एंड लगेगा आपको कुछ टाइम लगाने के बाद, आफ्टर 4 मिनट्स जब आप इसको अपने फेस पर लगाते तो आपको लगेगा हाँ आपका फेस कितना ग्लोई ग्लोई लग रहा है, देखिए कितना ग्लोई ग्लोई लग रहा है आपका फेस, देखिए। सो आप एकदम से किसी नतीजे पर ना पहुँचे, सो आप इसको यूज़ करके देखें एंड डेफिनेटली वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आलमंड ही लें, और भी बहुत तरीके के आते हैं, सो आप वो भी ले सकते हैं। सो ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं या किसी भी साइट से मंगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अमेजोन वगैरह से ही या नायका से ही मंगवाएं, जिस पर भी अवेलेबल आपको मिले वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मेरे अदर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बीइंग ब्यूटीफुल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी हेल्पफुल प्रोडक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।